हेलो हाय, हाउ आर यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमने पिछले वीडियो तक चरक सूत्र के शुरू के 15 अध्यायों पर डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि पिछले वीडियो में कहा गया है कि आप अपने साथ अपने नोट्स जरूर पास में रखें, ताकि जो क्वेश्चन आपको डाउट आता हो उसे आप नोट्स में देख सकें, और यदि तब भी आपको आंसर नहीं मिल रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं आज का 16वां अध्याय। आज का पहला प्रश्न ये रहा, दौर्बल्यम लाघवम ग्लानिर्व्याधि नाम गुणा रुचि, यह विरेचन का सम्यक योग है, असम्यक योग है, अति योग है या अयोग है। अगला प्रश्न है, विरेचन में दोषों के निकलने का क्रम क्या है। अगला प्रश्न, तू न तेषां पुनरुद्भव, यह किसकी श्रेष्ठता के लक्षण दिए गए हैं। ये रहा अगला प्रश्न, वमन विरेचन के अतियोग की चिकित्सा में कौन सा स्नेहपान प्रशस्त माना गया है। आगे का क्वेश्चन, स्वभावो परमवाद, इसका वर्णन किस स्थान में और किस अध्याय में किया गया है। याभिः क्रियाभिः जायन्ते शरीरे दात्वः समा, यह किसकी परिभाषा है। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से, जायन्ते हेतु वैषम्याद विषमः देह दात्वः, किसके बारे में कहा गया है। अगला अध्याय है यंत्रशिरसि अध्याय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। शिरोरोग के कितने प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न, भ्रूमध्य ललाटम च तपतीव अतिवेदनाम, यह किस शिरोरोग का लक्षण है। सुप्तम स्तिमितम भारिकम, यह किस शिरोरोग और किस हृदय रोग का लक्षण है। अगला प्रश्न, वेदच्छेद रुजा कंडुह शोफ दौर्गंध्यादुह स्थितम, किस शिरोरोग के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न, कियंतः शिरसि अध्याय में हृदय रोग की संख्या कितनी है। भवति अश्म आवृत्तम यथा, किस हृदय रोग के बारे में लक्षण दिया है। अचिंतन, ऐसा हेतु किस हृदय रोग का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, तुद्यमानं स हृदयं सूचि वीरिव मन्यते, किस हृदय रोग के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न, दोष विकल्प भेद से रोगों की संख्या कितनी है और उसमें संसर्ग रोग कितने माने गए हैं। चरक ने कियंतः शिरसि अध्याय में क्षय के कितने भेद किए हैं। अगला प्रश्न, संधि स्फुटन, यह किस धातु के क्षय का लक्षण है। नेक्स्ट, संधि शैथिल्य किस धातु का लक्षण है। नेक्स्ट, अस्थि सौशीर्य किस धातु का क्षय का लक्षण है।
अगला प्रश्न, मुख परिशुष्यम किस धातु या मल के क्षय का लक्षण है? अगला प्रश्न, प्रथम वात रोगिणी किस धातु के क्षय का लक्षण है? अगला प्रश्न, मुख शोष किस धातु के क्षय का लक्षण है? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, हृदयम ताम्यति किस धातु के क्षय का लक्षण बताया है? अगला प्रश्न, अस्थितोद किस धातु के क्षय का लक्षण है? विभेति दुर्बलो अभिक्षणम ध्यायति किसका लक्षण बताया गया है? मधुमेह व्याधि के निदान एवं संप्राप्ति का वर्णन सूत्र स्थान में किस अध्याय में किया गया है? अलग अलग आचार्यों के अनुसार प्रमेह पीड़िका के प्रकार कितने? भिन्नता या साध्य असाध्यत्व में किस तरह की पीड़िका बताई है? अगला प्रश्न, अति उन्नता मध्य निम्ना श्यावा क्लेद रुगान्विता यह किस प्रमेह पीड़िका का लक्षण है? महावास्तु परिग्रह यह किस प्रमेह पीड़िका का लक्षण है? रुजा निस्तोद बहुला सूक्ष्म छिद्रा किस प्रमेह पीड़िका का लक्षण है? अवगाढ़ रुजा पृष्ठ अथवा उदर पर उत्पन्न ऐसी कौन सी प्रमेह पीड़िका के बारे में कहा गया है? चरका अनुसार विद्रधि के कितने भेद हैं? व्यमलताम याता वृश्चिकैरिव दश्यते यह लक्षण किस विद्रधि के लिए कहा गया है? अगला प्रश्न है, तिल माश कुलत्थोद सन्निवम ऐसा स्त्राव किस दोषजन्य विद्रधि में दिखता है? चरक ने अंतर विद्रधियों के कितने स्थान बताए हैं और सुश्रुत ने कितने स्थान बताए हैं? शक्ति साध ऐसा लक्षण किस स्थानगत अंतर विद्रधि होने पर मिलता है? पृष्ठ कटिग्रह यह लक्षण किस स्थान की विद्रधि में मिलता है? हिक्का लक्षण किस स्थान पर विद्रधि होने पर मिलता है? नाभि के ऊपरी भाग में होने वाली विद्रधि का स्त्राव किस मार्ग से होता है? नाभि के मध्य भाग में होने वाली विद्रधि का स्त्राव किन मार्गों से होता है? विद्रधि में किस व्याधि के समान चिकित्सा करने के लिए कहा गया है? अगला प्रश्न, दोषों की कुल कितनी गतियां बताई है? और ये रहा अंतिम प्रश्न, उच्छ्वासो अपरोध यानी कि श्वास अवरोध किस स्थानगत अंतर विद्रधि होने पर मिलता है? चलिए आज के हमारे दो अध्याय संपूर्ण हुए। अगला प्रश्न है, शोध के कितने
भेद बताए गए हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, शोथो नक्तम प्रणश्यति, यह किस दोषज शोथ के बारे में बताया गया है? अगला प्रश्न, पृथु उन्नत और ग्रथित शोथ के ऐसे त्रिविध भेद किस आचार्य ने बताए हैं? निशावली या रात्रिवली, यह किस शोथ को कहा जाता है? निपीड़ितो न उन्नतम अति शवेतु, किस दोषज शोथ के बारे में कहा गया है? अगला प्रश्न, चरक और सुश्रुत के अनुसार शोथ के उपद्रवों की संख्या बताइए। अगला प्रश्न और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, न ही सर्व विकाराणाम नाम तो अस्ति ध्रुवास्थितः, चरक के अनुसार यह श्लोक किस अध्याय में आया है? जल्दी से बढ़ते हैं अब अगले अध्याय की ओर। पहला प्रश्न है, सामान्य व्याधियों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? अगला प्रश्न, चरक के अनुसार कुल सामान्य रोगों की संख्या कितनी है? तालियां। अगला प्रश्न, चरक ने एक भेद वाले कितने रोग बताए हैं? और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणां एक कारणम्, यह वाक्य किस आचार्य का है? और अब हम बढ़ते हैं आज के अंतिम अध्याय की ओर। तो चलिए बताइए, नानात्मज विकार का वर्णन किस अध्याय में है? अगला प्रश्न, सुश्रुत के अनुसार आमाशय किस दोष का स्थान है? अगला प्रश्न, वातज के कितने नानात्मज विकार बताए गए हैं? ऐसी कौन सी व्याधियां हैं जो वात की नानात्मज एवं सामान्यज दोनों विकारों में आते हैं? अगला प्रश्न, वामनत्वम, यह किस दोष की नानात्मज व्याधि है? ओ यस, आज हमने चरक सूत्र के 20 अध्याय की डिस्कशन कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन होए। बाय बाय।